आज मसाला किचन में बन रहे होली स्पेशल गाठिया। ये इतने स्पेशल गाठिया हैं कि बच्चे बड़े सभी खा सकेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मक्खन की तरह नरम। और हाँ, खास बात है जो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसे हम बिना मशीन के भी बनाएंगे हाथों से। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री। इसमें दो तरीके के गाठिया हैं, एक नॉर्मल जो मिलते हैं मक्खन जैसे, और दूसरे बहुत ही स्पाइसी जो मुंगेरी टाइप होती हैं, वो भी हमने बनाई हैं। तो चलिए चलते हैं, इसे हमने बनाया कैसे। इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें आधा कप डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, आधा कप डाल देंगे नॉर्मल पानी। आप कोई भी एक कप सेट कर लीजिए, सारा काम उसी से कीजिए। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच पापड़ खार। पापड़ खार अगर हमारे पास ना हो तो उसका मैं आपको बताऊंगी सब्स्टिट्यूट क्या डालेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। अब इन सबको हमें करना है ग्राइंड। यही काम आप परात में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखिए, दो मिनट इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए कितना बढ़िया दूध की तरह ये फेट चुका है। ये जो गुजरात के खास नमकीन होते हैं, इनमें पापड़ खार यूज़ किया जाता है। तो देखा आपने, ये दो मिनट ग्राइंड करने से ऑयल और पानी क्रीम जैसा बन गया है। बस इसी से हम बेसन को गूंथेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं दो कप बेसन। नॉर्मल बेसन जो हमारे घर में होता है, उसे छान लीजिए और दो कप भर के एक परात में डाल लीजिए। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी अजवाइन, हाथों से क्रश करके। थोड़ी सी डाल रही हूँ काली मिर्च। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट गाठिया बनने वाले हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं हींग का पानी। जो हींग का टुकड़ा होता है, वो मैं एक डिब्बी में डालकर रख देती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ। ये बहुत ही फ्लेवरफुल पानी होता है हींग का। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये जो हमने ग्राइंड किया था, इसी पानी और ऑयल से ये बेसन को हमें गूंथना है। बेसन थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, इसके लिए ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो लीजिए। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लीजिए। आपके गाठिया बन जाएंगे। हमें बिल्कुल टाइट डो नहीं चाहिए, बस इसी पानी से, इसी रेशो से आप इस तरीके से चिपचिपा सा बना लीजिए। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और ज़रूरत लगे तो थोड़ी पानी के छींटे भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये पानी के मैंने छींटे डाल दिए हैं और इसे अब मैं थोड़ा सा मल लेती हूँ एक आध मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है और बहुत ही बढ़िया है। ये सॉफ्ट भी बहुत है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट हम निकाल लेते हैं जो हम दूसरे तरीके से हाथ से गाठिया बनाने वाले हैं, और बाकी बचे को हम मशीन में डालेंगे। आपके यहाँ पीतल की, स्टील की कोई भी मशीन हो, चकली बनाने वाली, गाठिया बनाने वाली, आप इससे सेव भी बना सकते हैं, पापड़ी भी बना सकते हैं। मशीन को हर तरफ से ऑयल जरूर लगा लीजिए। नीचे जाली रख दीजिए। यहाँ मैंने चकली वाली जाली डाल दी है। इस होली आपका कौन कौन से नमकीन बनाने का मूड बन रहा है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके से अंदर डाल दीजिए। और यहाँ मैंने रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई आपको गरम करनी है ऑयल से। ये देखिए, मैंने एक जरा सा बेसन का टुकड़ा डाला, ये ऊपर आ गया, मतलब ये परफेक्ट है। और यहाँ एक खास बात और देख लीजिए, चकली से जब मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही स्मूथ सा वो निकल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जोर न लगाना पड़े, तभी आपके गाठिया बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनने वाले हैं। छोटे बच्चों को इस तरीके की गाठिया खाना बहुत पसंद आते हैं। आप इसे बना कर रखिए, थोड़ा सा पकने तक आप इसे चलाएंगे नहीं। जब थोड़ा सा पक जाए तभी आप इसे चलाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं ये गाठिया, बिल्कुल मार्केट स्टाइल गाठिया बनेंगे। आप इसे ज्यादा डार्क भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तीन से चार बार उलट पलट कर हम इन गाठिया को निकाल लेते हैं। एक पेपर टॉवल पर इसे निकाल लीजिए।
लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। अब इसी मशीन से हमें और भी बनाने हैं। अगर आपके पास दूध की थैली है और केक वाला नोजल है स्टार वाला, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। ये लीजिए, दूसरे भी गाठिया बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने आपके साथ नमकीन की, मठरी की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं। आपने उनमें से कौन सी रेसिपी बनाई है, कैसी बनी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके से सारे गाठिया हम बना लेते हैं। ये लीजिए, मैंने सारे गाठिया बना के रख लिए हैं। अब मैं आपको डार्क कलर वाले भी गाठिया बताती हूँ जो मैंने पहले बना के रखे हैं। अब यहाँ देखिए, पूरे बेसन से हमें गाठिया को हाथ से बनाना है, मुंगेरी टाइप। तो हमें क्या क्या डालना होगा? 2 चम्मच है काली मिर्च, 2 चम्मच है सौंफ, 2 चम्मच है सूखा साबुत धनिया और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च एक्स्ट्रा, थोड़ी सी लौंग भी मैंने ले ली है। तो अभी हम पहले ये जो खड़े मसाले हैं उन्हें पीस लेते हैं, दरदरा कूट लेते हैं चकले पर या खलबत्ते पर। मैं इन्हें खलबत्ते से कूट लेती हूँ थोड़ा दरदरा। ये देखिए, अभी आधा मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया। अभी लाल मिर्च थोड़े कलर के लिए, काला नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा। अक्सर हम जब नमकीन का पैकेट खोलते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसमें होता क्या है, सेव के साथ छोटे छोटे ये मुंगेरी गाठिया भी बोल सकते हैं स्पाइसी, वो होते हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो वही हम बना रहे हैं। उसके लिए मुझे ये बेसन सॉफ्ट नहीं, थोड़ा टाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइट करने के लिए बेसन और डाल रही हूँ। अब इसे टाइट कर लीजिए, ये काफ़ी स्पाइसी भी हो गया और टाइट भी हो गया। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑयल इसे चिकना करने के लिए। लीजिए, अब हम बनाएंगे इसे हाथों से। जब कभी आपके पास मशीन ना हो तो इस तरीके से गाठिया हाथों से बनाइए। यहाँ पर देखिए आपको बनाने कैसे हैं। एक हथेली पर मिश्रण रख लीजिए, दूसरी उंगलियों से उसे अलग सा शेप दे दीजिए, जैसे बिंगो टेढ़ा मेढ़ा होता है उस तरीके से। अनइक्वल सा शेप इसमें बहुत ही बढ़िया रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसी तरीके से सारे गाठिया हमने बना लिए हैं। हाँ, याद रहे इन्हें 1 मिनट से पहले बिल्कुल न चलाएं। ये देखिए, डालते ही बहुत ही बढ़िया हो गए हैं और ये सोडा डालने से ये काफी लाइट कलर के भी हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया रहते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से खाने में बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार होते हैं। इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। अब इसे निकाल लीजिए, इसे भी एक किचन टॉवल पर डाल दीजिए। देखा ना आपने, गाठियों को बनाना कितना ही आसान है। इसे काफी सारे बनाइए, एक एयर टाइट जार में ठंडा करके भर के रख लीजिए। ये देखिए, तोड़ने में मजा ही कुछ और आता है। इसे फौरन आपको खाने का मन करेगा। इन गाठिया को भी देख लेते हैं, कितने टेस्टी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। और यहाँ पे मैं चूरा करूँगी तो बिल्कुल चूरे जैसा हो जाएगा, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये इसकी पहचान है, मक्खनी गाठिया, मक्खन जैसे गाठिया। और यहाँ देखिए, ये जो डार्क कलर के हैं ये भी बहुत ही टेस्टी हैं, बस इनको हमने थोड़ा डार्क कलर का बनाया है। तो जैसा आपको चाहिए उस तरीके से इन गाठिए को बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वैरायटी मैंने आपको दी है और बहुत सारे वीडियो हमारे और भी हैं नमकीन के, जिन्हें आप ज़रूर देखिए। उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।